हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सेशन कमीशन एसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया। और ये जो नोटिस है वो ऑप्शन फॉर्म को लेकर के है, क्योंकि पिछले ही कुछ दिनों में यहाँ पे एसएससी बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छे काम सब कर रही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन फॉर्म दूसरा एग्जाम का भी आ गया है। और ये जो एग्जाम है वह देख सकते हैं आप यहाँ पे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड क्वान्टिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जाम 2020 को लेकर के है। इसमें से जेई वाला यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग वाले पोस्ट के लिए था जो एग्जाम वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्ड ऑप्शन फॉर्म ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन 2020 को है। तो यहाँ पे किस प्रकार से इसको भरना है सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ पिछले वीडियोस में भी इस प्रकार के ऑप्शन फॉर्म में, और यहाँ पर भी कैसे क्या भरना है इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना हुआ नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, जो अभी आपका नाम है, जितने भी कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं और जिनको ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है वो अब यहाँ पे अपना नाम भर लेंगे। साथ साथ अपना जो एग्जाम का रोल नंबर था वो यहाँ पे फिलअप कर लेंगे इस जगह पर। इसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट है और साथ साथ कोड दिया हुआ है। आपका कोड यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। इस प्रकार से एल तक दिया हुआ है, यानी कि टोटल आपका 12 पोस्ट तक का कोड दिया गया है। और यहाँ पे है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के लिए सिर्फ और सिर्फ के मेल कैंडिडेट्स के लिए, बाद बाकी में ओमेन और मतलब फीमेल और मेल दोनों ही भर सकते हैं। यहाँ देखिए आप लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हैं मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इस प्रकार की सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। जूनियर इंजीनियरिंग का जो है वो यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट में दिख जाएगा। उसके बाद है आपको यहाँ पे भरना क्या है, तो कैंडिडेट्स शुड इंडिकेट देयर ऑप्शंस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है आपको जो जिस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं उस पोस्ट को आप सबसे पहले प्रेफरेंस के हिसाब से ही आप सिलेक्ट करते हुए जाना है। यहाँ पे 1, 2, 3 करके 12 टोटल पोस्ट है तो उसको भरना है, और जो है प्रेफरेंस वो आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे कि उसी के आधार पर आप लोगों को फिर सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ नोट दिया गया है, देखिए कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर ओनली दोज पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल। यहाँ पर जो है इतने सारे तो आप लोग को सारा के सारे भरना ही है, लेकिन आप जो पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर, आप जो पोस्ट के एलिजिबल हैं वही पोस्ट को आपको कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। जितने भी पोस्ट के लिए आप सिलेक्टेड होंगे वही वाला पोस्ट को यहाँ पर आपके लिए प्रिफेरेंस दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन जो दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। द ऑप्शन एक्सरसाइज एबोव By me are final. I am also fully aware that no change in the order of preference in the options set by me above would be permitted. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के बता ही दिया हूँ, और आप लोग भी अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। ये फाइनल है ये कहा गया है, साथ साथ में यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस भी नहीं करना है। जो भी ऑर्डर दिया हुआ प्रेफरेंस का उसी प्रकार से ही रहेगा, और उसी प्रकार से मुझे परमिशन भी दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर डिक्लेरेशन में कहा गया है। ऐसे ही आप लोगों को डिक्लेरेशन में करना है। उसके बाद है यहाँ पे आप लोग को फिर से देखना है कि जो जेई वाला है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट के लिए जो है वो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये भी आप लोगों को बता ही दिया हूँ मैं। आई हैव गोन थ्रो द मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे जो है मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए जो भी मांगा गया है उस मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही यहाँ पर मेडिकल लिया जाएगा। और यहाँ पर फिर साथ साथ कहना है कि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द एसएससी मेक्स द फाइनल एलोकेशन ऑफ पोस्ट इन अकॉर्डेंस विथ मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स एंड वेयर इज एंड वंस ए पोस्ट इज एलोटेड नो चेंज इज मेड बाई द कमीशन फॉर एनी रीजन व्हाट्स ओवर। तो यहाँ पे जो है कि जो भी चीज़ें यहाँ एसएससी के द्वारा दिया जाएगा जहाँ भी लोकेशन में भेज दिया जाएगा वहीं पे कैंडिडेट्स को जाना है, और ये जो है वो चेंज नहीं होगा, ये भी कमीशन की ओर से कहा गया है। इसके बाद है कि अकॉर्डिंगली इफ आई सेलेक्टेड एंड नोमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड सब्सिक्वेंटली फेल इन द मेडिकल एग्जामिनेशन आई एम अवेयर दैट आई विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी अदर पोस्ट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी कहा कि अगर ये जो है बीआरओ में नॉमिनेशन हो गया और उसमें किसी कारण से मेडिकल में फेल हो जाता है तो उनको यहाँ पर दूसरे चीज़ों के लिए और कोई में कंसिडर नहीं किया जाएगा अदर पोस्ट के लिए, यहाँ भी यहाँ साफ साफ कहा गया है। तो स्ट्राइक आउट इफ दिस इज नॉट एप्लीकेबल, तो ये भी है कि ये दूसरे चीज़ में किसी भी चीज़ में अप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें जो भरते हैं तो उनको और दूसरी चीज़ों के लिए कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये भी डिक्लेरेशन में कहा गया है। इसके बाद है आप यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे है तो सिग्नेचर कर लेंगे, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट्स भी दिया गया है, पहले कैंडिडेट्स का नाम फिर यहाँ सिग्नेचर करना है, डेट और फिर पैलेस जो भी दिए जाएंगे जिस तारीख को आपको बुलाया जाएगा, ये जो है ऑप्शन फॉर्म को भी लेकर के जाना है, और जहाँ भी आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर जाना है तो उस दिन का डेट और पैलेस को भर लेना है। तो यही एक बड़ा अपडेट और नोटिस आया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम 2020 में थे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और क्वांटिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट्स वाले, उनको ऑप्शन फॉर्म को भर के रख लेना है। तो यही एक नया नोटिस है, इसको आप लोग पूरी तरीके से अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बता दिया।